लगभग 10 तारीख को मिलेगा हमारा। आंटी थोड़ा इतना सारा हाथ के ब्रेसलेट जैसा ही है ये, इसी को मम्मी लेने गई है, देखते हैं इनमें से लेती मम्मी या कुछ अलग लेती है। 97 किलोमीटर हो चुका है, कुछ ही देर में 100 किलोमीटर हो जाएगा। अभी डैडी को लेने जा रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम एक और सुहानी सुबह। तो अभी मौसम आज का जो है, अभी थोड़ा धूप है, तेज उतना धूप नहीं है, जैसे रेगुलर धूप रहता है तेज, वैसा आज धूप नहीं है। मौसम देखो, ये स्टेशन के पास अभी डैडी को जस्ट छोड़ा हूँ और वो डैडी जा रहे हैं। बाकी अभी मौसम चेक करो, मौसम ख़राब होने वाला है, लगता है दोपहर में ख़राब होगा, शाम तक ये ख़राब हो जाएगा मौसम। दोपहर में मेरे को जहाँ तक लगता है बारिश गिरेगा, जब मैं रिटर्न आता हूँ उतने टाइम में वो बारिश गिरेगा। तो अभी मेरे सामने देखो ब्लैक ब्यूटी खड़ी है, मस्त दिख रही है एकदम एकदम झकास। हेलमेट भी ब्लैक है, बाइक भी ब्लैक है, मैंने जीन्स भी पहनी है ब्लैक और जूते भी ब्लैक हैं। गाड़ी एक नंबर है। और कल का तो पूरा दिन मेरा वो पुरानी गाड़ी जो थी उस बाइक को रिपेयर करने में थोड़ा चले गया, क्योंकि उसको भी रिपेयर करके यूज़ेबल बनाना ही है। यूज़ेबल तो है ही, लेकिन रिपेयर तो करना पड़ेगा कुछ कुछ जगह पे, जैसे फुट रेस्ट उसका वो ख़राब हो गया था तो उसको रिपेयर, तो उसी में कल पूरा का पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द मेरा टाइम उसी में गया। उसके बाद फिर शाम तक का मैं आराम किया, अपना काम वाम जो था वो काम वाम को कम्प्लीट किया। उसके बाद फिर अपना वर्क किया, जो भी मेरा वर्क रहा उसको कम्प्लीट किया। तो जाना है भिलाई, भिलाई में कुछ काम है, भिलाई का कुछ काम निपटाते हैं और उसके बाद फिर रिटर्न होते हैं घर के लिए। मेरे को जहाँ तक लगता है बारिश आएगी, जब शाम को मैं आऊँगा दोपहर का टाइम आऊँगा उसी टाइम बारिश आएगी। तो चलो अभी चलते हैं। कल शाम की एक बात बताता हूँ आप लोगों को, जिस भैया के दुकान से मैं अपने मोबाइल के एसेसरीज लेता हूँ ना, वो भैया के दुकान गया हुआ था कल गया था। तो क्या हुआ, कल की जो डेट रही ना उसमें भैया बोलते हैं कि मेरे को जलन हो रही है तुम्हारी बाइक देख के। मैं बोला क्यों जलन हो रही है, तो बोलते हैं कि यार मैंने जब लिया ना गाड़ी तो हम उसमें ये E20 इंजन नहीं था और ये सारे इतने सारे जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस गाड़ी पे और ये कलर स्कीम देख के वो बोलते हैं मेरे को बहुत जलन हो रही है। तो कल तो वीडियो नहीं बनाया उनके सामने, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था उनको और बोल रहा था, छेड़ रहा था थोड़ा, तो बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर हम लोग बात किए। अब क्या है, आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उसमें मतलब मिलना वो रेगुलर हो नहीं पाता ना, कभी कभार मिलते हैं। अब कल जैसे मिलना हुआ, उसके पहले मिले बहुत कम पहले थे, मतलब मैं जब शादी में जाने के पहले मैं मिला था, फिर अभी मिला, अब किधर मिलूंगा वो नहीं मालूम है। इसीलिए पहले ही बातचीत कल जाके बातचीत वातचीत किया तो अच्छा लगा, थोड़ा अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे मिलना तो अच्छा भी लगता है। तो बोल रहे थे बहुत सुंदर और बहुत सेक्सी गाड़ी ले लिया, बहुत खूबसूरत है बोल रहे थे वो भी। और देखो इधर मौसम चेंज होने वाला है, मैं पहले ही बोला था आप लोगों को मौसम चेंज हो ही जाएगा, पूरा मौसम चेंज हो गया एकदम से। हाँ बारिश वारिश आएगा, दोपहर तक आएगा ही आएगा। अब देखो मैं बोल रहा हूँ दोपहर तक आएगा, अब नहीं आया तो फिर मेरा पोपट हो जाएगा। चलो अभी चलते हैं। जब एक प्लेन ना ओवरटेक करता है, या जब प्लेन एक ओवरटेक बोलेंगे क्या पता क्या बोलते हैं, तो समझ लो जब प्लेन एक ना ऊपर आसमान में उड़ता है और जब नीचे आता है तो जैसा आवाज़ आता है ना, सेम आवाज़ इस गाड़ी पे। वीडियोस में इसको दिखाना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन दिखा सकता हूँ आगे फ्यूचर में, इसमें जब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को इसका आवाज़ को सुनाऊंगा कि इसमें से जो आवाज़ निकलती है ना, इसका साइलेंसर से जो फिल्टर साइलेंसर से जो आवाज़ निकलता है बहुत ही ज़्यादा प्योर आवाज़ निकलती है, एकदम साइलेंट एंड स्मूथ आवाज़ निकलती है। इसको चलाने पे भी बहुत वो रहता है। तो एक नंबर मौसम है, एकदम झकास दिख रहा है रोड भी एकदम झकास।
चलो अंदर पेपर वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, मैं गाड़ी का पेपर कब तक मिलेगा। तो बोले 15 दिन के बाद मिलेगा, तो लगभग 10 तारीख को मिलेगा हमारा। आंटी थोड़ा, लगभग 10 तारीख को मिलेगा, 10 और 11 तारीख को। बोले फ़ोन करेंगे, फ़ोन करेगा तो पेपर रेडी हो जाएगा, क्योंकि कल तो वो आदमी बोल रहा था परसों कि आपको पेपर वर्क सोमवार तक मिल जाएगा, तो अब सोमवार तो आज ही है। मेरा अभी खाना पीना हो चुका है और दोपहर के बज रहे हैं 4:20 और मैं जा रहा हूँ थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ। मैं सर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत फट रहा है सर, तो थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, आधा एक घंटा रेस्ट करूँगा तो मेरा सर दर्द कम होगा। और रात में भी बीच बीच में उठ गया था, सोया नहीं था, सो रहा था फिर उठ रहा, सो रहा था फिर उठ रहा था, उसके वजह से भी हो सकता है। तो अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा देर, उसके बाद उठते हैं तो फिर मार्केट जाना है, मार्केट चलते हैं। तो अभी सो के उठ चुका हूँ मैं, और सर दर्द तो अभी कम है लेकिन आँखों में थोड़ा दर्द हो रहा है, आँखों से ही सर में दर्द हो रहा है। और अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट। मार्केट क्यों? क्योंकि मम्मी को कुछ सामान लेके आना है, हमारे जस्ट घर के बाजू वाले हैं तो उनका बर्थडे है, तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट लेना है, तो इसीलिए मार्केट जा रहे हैं अभी। और वीडियो भी अभी एडिट करना बचा हुआ है, कल वाला वीडियो मेरा अभी एडिट करना बचा हुआ है, तो एक दिन तो डिले चल रहा हूँ, जल्दी कवर कर लूँगा उसको, एक दो दिन के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी चलो अभी चलते हैं मार्केट, शाम होने वाला हूँ। देखो मौसम एक नंबर है, एक नंबर मौसम हुआ है, चलो चलते हैं मार्केट। इधर इतना सारा हाथ के ब्रेसलेट जैसा ही है, यह इसी को मम्मी लेने गई है, देखते हैं इनमें से लेती है मम्मी या कुछ अलग लेती है गिफ्ट। लगभग गाड़ी में 97 किलोमीटर हो चुका है, कुछ ही देर में 100 किलोमीटर हो जाएगा। अभी डैडी को लेने जा रहा हूँ, और अभी डैडी को लेते लेके आते आते ये 100 किलोमीटर हो जाएगा, देख लेना। सही है, 4 दिन में 100 किलोमीटर हो गया, 3-4 दिन में ही 100 किलोमीटर हो गया। तो इस बर्थडे में मम्मी डैडी गए हुए थे, तो डैडी मेरा वीडियो बना लिए थे, बर्थडे गर्ल उधर सामने खड़ी है, उसके मम्मी पापा उधर है, और आंटी के घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना हुआ था। बाद में हम लोग को आंटी जो लोग नहीं जा पाए, जैसे मैं नहीं गया था, भाई नहीं गया था, मम्मी नहीं खाई उधर, तो हम लोग को आंटी दी खाना, बहुत ही स्वादिष्ट था। थैंक यू आंटी, आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाए थे, और हैप्पी बर्थडे टू द बर्थडे गर्ल। 10:30 और लाइट दोबारा गोल हो चुका है, कल भी लाइट गोल हुआ था, आज भी लाइट गोल हो चुका है। अभी वीडियो अपलोड मोबाइल से ही कर रहा हूँ, सिस्टम बंद है, कंप्यूटर बंद हो चुका है, लाइट गोल हो चुका है। तो खाना वाना अभी हम लोग का बचा हुआ है, और मेरे डैडी गए हुए हैं जिनके घर में बर्थडे है, उनके घर में बर्थडे का सेलिब्रेशन करने गए। मम्मी भी गई थी लेकिन आ गई वापस। हम लोग का मेरा भी कुछ पेपर वेपर है, तो वो पेपर की तैयारी कर रहा हूँ अभी, जल्दी होने वाला पेपर। और छोटा वाला भाई का तो चोट लगा, तो वो जा नहीं सकता है। होप मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, वो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को नया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।